वार्ड नंबर 15 के वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। छतरपुर, अपनी समस्याओं को लेकर छतरपुर नगर के वार्ड नंबर 15 में रहने वाले लोगों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद के आवेदन देकर अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। साथ ही चेताया कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए। यदि हमारी मांगे 15 दिवस के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। वार्ड नंबर 15 में ज्यादातर नालियां चौक है, नल लाइन डाली है पर पानी नहीं आता। नालियों के बाहर कचरा पड़ा है, कोई उठाने नहीं आता। इस वार्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वार्ड में रहने वालों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 15 के लोगों ने आज नगर पालिका में अपनी समस्याओं को हल करने की गुजारिश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, किन समस्या को लेकर आज नगर पालिका आई? मैं इस समस्या से आई हूँ कि इन्हें सीमो साहब को मैंने लेटर पैड में पहले भी अपनी समस्याओं को इन्हें अवगत करवाया था। अवगत करवाने के अलावा इन्होंने एक भी गौर नहीं किया है। नालियां हैं वो भरी पड़ी। किस नंबर वार्ड, कौन से नंबर वार्ड? 15 नंबर क्रमांक नंबर 15 नंबर वार्ड से तो इन्हें अवगत करवाया था, इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना है। नल है तो वो भी पूरे बिगड़े डले हुए हैं। इनसे मैंने कहा था इनकी मरम्मत करवा दी जाए, इन्होंने नहीं करवाया है। नालियां हैं वो भी भरी पड़ी हुई हैं और तीन जगह पाइप लीक है, जिसके कारण से व्यर्थ पेयजल जो है करीबन जब भी सप्लाई पानी आता है 3 दिन में 8 दिन में तो करीबन 4 टैंकर पानी व्यर्थ बह के जाता है। और ऊपर से मुझे पाइपलाइन जो डलवाना है, कई बार इन लोगों से मैंने अवगत करवाया है, सूचित किया है, ताकि ये लोग बिल्कुल सुनते नहीं है। मेरा यही अनुरोध और निवेदन है कि आज तो इतनी संख्या के साथ में आई हूँ और कल और भी संख्या के साथ में आ सकती हूँ। अगर आपकी मांगे जो आप चाहती हैं कि वार्ड नंबर 15 में सुविधाएं हो, नल सिस्टम जो भी बता रही हैं आप, अगर ये नहीं होता है और कार्रवाई नहीं होती, किसी भी तरीके से मरम्मत नहीं होती है, तो आगे आप क्या करेंगे? मैं धरना प्रदर्शन करूंगी और डाकखाने में भूख हड़ताल करूंगी, जनता के साथ में बैठ करके। कितने दिन का समय दिया है आपने सीएमओ साहब के?